व्हाट्स अप गाइस, एंड इन्फिनिक्स ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना इन्फिनिक्स नोट 11, जिसको कि मोटो जी 31 का एक डायरेक्ट कंपटीशन हम मान सकते हैं। अब इन दोनों स्मार्टफोन में कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, ऑन पेपर आपको किस में बेटर स्पेसिफिकेशन देखने मिलते हैं, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। अब इन दोनों ही फोन्स का सेलिंग पॉइंट है इनका डिस्प्ले, क्योंकि दोनों ही आपको ऑफर करते हैं एक एमोलेड डिस्प्ले, वो भी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर जहां पर थोड़े टाइम पहले हम सोच भी नहीं सकते थे एक एमोलेड डिस्प्ले यूज करने का। मोटो जी 31 में आपको देखने मिलता है 6.4 इंचेस का एक डिस्प्ले, वहीं पर जो इन्फिनिक्स है वो लेकर आता है 6.7 इंचेस का एक काफी ह्यूज डिस्प्ले। दोनों डिस्प्ले काफी सिमिलर है, लेकिन साइज वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको थोड़े बड़े फोन्स पसंद है तो आप इन्फिनिक्स के साइड जा सकते हो, वहीं पर अगर आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन पसंद है तो फिर आप मोटो की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं डिजाइन एंड फॉर्म फैक्टर के बारे में। जो मोटो जी 31 है ना, ये जब लॉन्च हुआ था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि ये वाला स्मार्टफोन देखने में आज के जमाने का फोन नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फिनिक्स के नोट 11 की, तो जो उसका डिजाइन बनाया है भाई, इतना शानदार डिजाइन बनाया हुआ है, कम्प्लीटली देखने में ऐसा लगता है कि एक 20,000 का फोन आप यूज कर रहे हो, जबकि अल्टीमेटली आप एक 12,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो साफ आप देख सकते हो। लेकिन अगर बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोटो जी 31 इन्फिनिक्स को यहाँ पर टक्कर दे देता है, एंड इन्फिनिक्स से बेटर फॉर्म फैक्टर आपको मोटो में देखने मिलता है। इसके रीजंस है कुछ। सबसे पहला रीजन कि आपको इसमें किसी भी तरह के स्मजेस देखने नहीं मिलते, जबकि नोट 11 में आपको स्मजेस देखने मिलते हैं। ओवरऑल बात करें साइज की, तो यार साइज वाइज ये काफी कॉम्पैक्ट है, एंड वन हैंडेडली आप इसको काफी इजीली यूज कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी बात है फॉर्म फैक्टर के मामले में। वहीं पर इसके पीछे आपको एक टेक्सचर फिनिश देखने मिलता है, जो कि अल्टीमेटली ग्रिप का काम करता है जब आप इस फोन को नॉर्मली यूज करोगे। तो इस मामले में मुझे लगता है कि यार मोटो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, एंड ज्यादा बेटर आपको फॉर्म फैक्टर प्रोवाइड करता है, बट वहीं पर जो डिजाइन है ना, उसमें इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर निकल कर सामने आ जाता है। अगर बात करें कैमरा की, तो यार दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम का सेम सेंसर देखने मिलता है, एंड इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि यार ये दोनों फोन में जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, वो सेंसर भी एग्जैक्टली सेम है। जो परफॉर्मेंस है वो आपको दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिलेगी, लेकिन जिस प्राइस पर ये दोनों फोन लॉन्च होते हैं, उस प्राइस पर ऑब्वियस सी बात है कि आपको गूगल कैमरा यूज करना पड़ेगा। दोनों का ही कैमरा इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा, एंड दोनों के ही कैमरा में आपको सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स देखने मिलने वाले हैं। मोटो जी 31 के कैमरा रिव्यू में मैंने बताया था कि यार इसके जो कलर्स है ना, काफी नेचुरल से शो करते हैं। लेकिन अगर बात करें कंपैरिजन की, तो हो सकता है कि आपको इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हल्का फुल्का पंच देखने मिल जाए, जस्ट बिकॉज ये वाला जो स्मार्टफोन है ये कम्प्लीटली गूगल का कैमरा यूज करता है, लेकिन जो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है वो उनकी खुद की UI से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सेल्फी में जरूर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, एंड इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर निकल कर सामने आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, एंड जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं दूसरों की वीडियोस में, वो देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार वो कम्प्लीटली मोटो को यहाँ पर ओवरपास कर लेगा, क्योंकि मोटो का स्मार्टफोन एक तो कम मेगापिक्सल के साथ में आता है, ऊपर से डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं है, एंड ऊपर से ब्यूटिफिकेशन भी नहीं देता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है, एंड इस मामले में सेल्फी कैमरा में आई थिंक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन मोटो जी 31 से बेटर है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यार देखो, परफॉर्मेंस में इतना कुछ एकदम हैवी लेवल का आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि मोटो जी 31 आता है G85 के साथ में, बट वहीं पर जो इन्फिनिक्स है वो आता है G88 के साथ में। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे, दोनों को साइड बाय साइड रखोगे, तो शायद से इन्फिनिक्स आपको बेटर परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अगर गेमिंग की बात करूँ, तो यार मैंने मोटो जी 31 को काफ़ी हैवीली गेम किया है, एंड इस वाले स्मार्टफोन में लिटरली गाइस काफ़ी स्मूथ गेमिंग आपको देखने मिल जाएगी, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको देखने नहीं मिलते। दोनों को साइड बाय साइड ना रखकर अगर आप सिंगुलर यूज़ करते हो ना, तो आपको कोई फर्क समझ ऐसे आने नहीं वाला है। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक काफी ह्यूज डिफरेंस देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिक्स ऑफर कर रहा है 5000 mAh की बैटरी विद 33 W फास्ट चार्जिंग, लेकिन मोटोरोला आपको ऑफर करता है 5000 mAh की बैटरी के साथ में 20 W की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर 20 W और 33 W में काफी बड़ा डिफरेंस है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऑन पेपर ही नहीं, ये प्रैक्टिकली भी काफी बड़ा डिफरेंस होगा कि आपको मोटोरोला से इन्फिनिक्स में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल जाए। लेकिन अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की या बैटरी बैकअप की, तो उसमें मैं यहाँ पर ज़रूर से कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स को मोटोरोला मात दे देगा। सेम बैटरी साइज़ है, लेकिन उसके बाद भी मोटोरोला बेटर परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड देखने मिलता है, क्लीन एक्सपीरियंस है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, कोई भी एक बैकग्राउंड एक्टिविटी नहीं होगी बार बार,
तो इस मामले में यार मोटोरोला थोड़ा सा बेटर आपको ऑप्टिमाइजेशन यानी बैटरी बैकअप दे देगा। अब बात करते हैं यूआई के बारे में, तो इन्फिनिक्स लेकर आता है अपना XOS, वो भी एंड्रॉइड 11 के साथ में, बट वहीं पर मोटोरोला में आपको क्लीन एंड्रॉइड 11 देखने मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों स्मार्टफोन में हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन हल्का फुल्का लैग क्रैश कर सकता है, लेकिन मोटोरोला को यहाँ पर मैं 10 से 12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड इतने पूरे दिनों में मुझे आज तक एक भी सिंगल क्रैश देखने नहीं मिला। लेकिन इन्फिनिक्स का जो XOS है ना, वो मैंने पहले यूज़ कर रखा है एंड उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हल्का फुल्का ऐप क्रैश या एनिमेशन लैग ये सब देखने मिल सकता है आपको। बट हु नोस, क्या पता इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया अपने फोन्स में। वो तो खैर जब मेरे हाथ में फोन आएगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इन्फिनिक्स यहाँ पर ऑफर करता है आपको एक नॉच डिस्प्ले, बट वहीं पर जो मोटोरोला है वो ऑफर करता है आपको एक पंच होल डिस्प्ले। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई, जब आप कंटेंट देखोगे ना तब आपको पता लगेगा एक्चुअल में। तो इस मामले में मोटोरोला बेटर है। बट वहीं पर बात करें स्पीकर्स के मामले में, तो इन्फिनिक्स में यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स देखने मिलते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस वो एक ही स्पीकर की तरह की है, लेकिन उसके बाद भी मैं जो है कहूँगा कि इन्फिनिक्स स्पीकर्स के मामले में थोड़ा बेटर है, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर हमेशा थोड़े बेटर होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं 4GB RAM 64GB वेरियंट की, तो ये दोनों इसके बेस वेरियंट है एंड मोटोरोला यही सेम वेरियंट ऑफर करता है 13,000 रुपये में, बट वहीं पर इन्फिनिक्स ऑफर करता है 12,000 रुपये में। तो इस मामले में मुझे लगता है कि यार इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए। बट वहीं पर जो मोटोरोला है उसमें अपने अलग फीचर्स हैं, जैसे कि यार कॉम्पैक्ट डिस्प्ले हो गया, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड हो गया, उसके बाद आपको पंच होल डिस्प्ले देखने मिल रहा है, बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन बेटर देखने मिल रही है। तो सबके अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किस वाले स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, अगर आपको इन्फिनिक्स लेने जितना बजट है, तो डेफिनेटली आप उसको परचेस करो, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन अगर आप मोटोरोला की तरफ जाते हो तो कुछ एक स्पेशल केसेस में ही जाना, कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मोटोरोला आपको दे रहा है बट वहीं पर इन्फिनिक्स नहीं दे पा रहा है, तो शायद आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हो। बाकी दैट्स इट वॉज दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।